दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में कि 2 किलोवाट की सोलर सिस्टम जो है उसकी कीमत क्या होगी, 2 किलोवाट का बैटरी वाला सोलर सिस्टम उसकी क्या कीमत होगी, विदाउट बैटरी यानी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की कीमत क्या होगी। तो आज 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, कितनी बिजली बनाता है। दोस्तों हमारे चैनल पर पहले से ही 2 किलोवाट सोलर सिस्टम में समेत कई वीडियो अपलोड हैं, लेकिन आप लोगों द्वारा कमेंट किया जा रहा था कि 2 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है इसकी कीमत आपने ज्यादा बताई है, किसी वीडियो में कम है। तो आपको एक सुझाव मैं देना चाहूंगा कि जब भी आप सोलर सिस्टम की कीमत से संबंधित वीडियो, चाहे वो हमारे चैनल पर हो या किसी भी दूसरे चैनल पर, यूट्यूब पर, वेबसाइट पर, ऑनलाइन कहीं भी आप सर्च करें, जब आप कीमत से संबंधित अगर कोई आप वीडियो सर्च कर रहे हैं तो उस वीडियो का या उस आर्टिकल की अपलोडिंग डेट को जरूर देखिए। होता क्या है, जैसे आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और अगर आप इसको 6 महीने बाद देखते हैं तो तब तक कीमतों में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हो गया होगा। तो इसलिए अगर आपको वो लेटेस्ट कीमतें जानने हैं तो आप जो लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो हो उनको ध्यान दें, तभी आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो चलिए आज जानते हैं 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो में अंत तक अवश्य जुड़े रहिए क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आने वाले हैं। नमस्कार, सोलोलॉजी में आपका स्वागत है, मैं हूँ आशीष मिश्रा। दोस्तों सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम किसे लगाना चाहिए और किसके लिए 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम बेस्ट है। अगर आपके घर का बिजली का बिल हर महीने 300 यूनिट के आसपास है तो आपके लिए 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम बेस्ट है। या आपका बिजली का बिल ज्यादा है लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपको एक स्टैंडर्ड सोलर सिस्टम मिल जाए जिससे आपके सामान्य घरेलू उपकरण सभी चलते रहें, और आपको एक इन्वर्टर का विकल्प चाहिए तो भी आप 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के साथ में जा सकते हैं। कुल मिलाकर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक सामान्य घर के लिए, जहां पर बहुत अधिक लोड नहीं है, उसके लिए परफेक्ट सोलर सॉल्यूशन है, जो कम से कम बजट में और बहुत ही बेहतरीन सोलर सॉल्यूशन है 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम। सबसे पहले 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम जब कीमत की बात करते हैं तो बात आती है सोलर पैनल की, क्योंकि सोलर पैनल ही वह कंपोनेंट है जो आपके सोलर पैनल में लाइफ लॉन्ग मतलब लगभग आपके जीवन भर साथ रहने वाला है। सोलर पैनल अभी से कुछ दिनों पहले तक, मतलब पिछले साल तक हम लोग बात करते थे तो पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, बाइफेसियल। अभी इस समय आप पॉलीक्रिस्टलाइन तो भूल ही जाइए क्योंकि वो बिल्कुल आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, और अब बाजार में ये स्थिति है कि आपको सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मोनो बाइफेसियल सोलर पैनल जिस रेट में मिल रहा है उससे भी ज्यादा रेट में आपको पॉलीक्रिस्टलाइन मिल रहा है। तो भला फिर आप पॉलीक्रिस्टलाइन क्यों लगाना चाहेंगे जब आपको उससे अच्छी चीज उससे कम पैसे में मिल रही है, तो फिर आप जाहिर सी बात है मोनोक्रिस्टलाइन ही लगाएंगे। और आपको मोनो बाइफेसियल सोलर पैनल ही इस समय लगाना चाहिए, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत सस्ता पड़ रहा है आपको, अब तो पॉली से भी ज्यादा सस्ता ये पैनल हो चुका है, सभी कंपनियों में लगभग यही स्थिति है जब आपको मोनो पैनल जो है, मोनो बाइफेसियल जो है, वो सस्ते में मिल रहा है। 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए आपको यहाँ पर 4 सोलर पैनल लगाने होंगे, 540 वाट या 550, 545, अलग अलग कंपनी में अलग अलग रेंज आती है, जो आमतौर से 540 से लेकर 550, 555 तक की रेंज आती है। तो आप यहाँ पर 540 वाट की अगर पैनल उदाहरण लेता हूँ, अगर ये यूज करते हैं तो आप यहाँ पर 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं। 4 सोलर पैनलों का जो टोटल पावर आउटपुट की बात करें तो आपको 2160 वाट का टोटल जो है वो आपका सोलर पैनल हो जाएगा। अब इसका रेट क्या होगा दोस्तों, हर शहर में अलग अलग इसके रेट हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग बताते हैं कि हमारे शहर में 23 रुपये मिल रहा है, 22 रुपये मिल रहा है। एक्चुअल होता क्या है, कई बार जब आप किसी सप्लायर से बात करते हैं तो आपको विदाउट GST या विदाउट FOR रेट आपको देते हैं, सिर्फ आपको उनके शोरूम के रेट बताते हैं। ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके घर तक पहुंचने के होंगे, लगभग आपको इस कीमत में आपके घर पे लगा हुआ, आपके घर पे पहुंचता हुआ सोलर पैनल मिल जाएगा, इंक्लूडिंग GST होगा। कीमत की बात करें तो इसमें ज्यादातर शहरों में आपको मोनो बाइफेसियल हाफ कट जो सोलर पैनल है, सबसे एडवांस सोलर पैनल है, वह आपको लगभग 25 रुपये से 28 रुपये की रेंज में आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी शहर में हो, भारत के किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में हो, लगभग यही रेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो सोलर पैनल है, ये टोटल आपका 2160 वाट का सोलर पैनल, अगर इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट हम 26 रुपये मान लेते हैं कि आपको 26 रुपये मिलता है, तो इसकी टोटल कीमत 56,160 रुपये आएगी। जी हाँ, 2 किलोवाट का जो सोलर पैनल है वो आपको 56,160 रुपये की, आपको 4 सोलर पैनल 540 वाट के आसानी से बाजार में मिल जाएंगे। आप किसी भी अपने नजदीकी सोलर डीलर से कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। सोलर पैनल के बाद बात आती है सोलर इन्वर्टर की। यहाँ पर हम चूंकि सबसे सस्ता सोलर सिस्टम बना रहे हैं और बेहतरीन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो यहाँ पे PWM टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास
वीओसी बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलने वाली है, तो इसलिए आप पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर निश्चिंत होकर उपयोग कर सकते हैं। पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी में 2500 वीए की रेंज में आता है जो इन्वर्टर है, वो 2500 वीए आते हैं। ज्यादातर कंपनियों में आपको माइक्रोटेक में मिल जाएगा, लुमिनस में सोलर वाटर नाम से आता है। इसके अलावा आप यूटीएल का हेलियक 2500 यूज कर सकते हैं, एप्रो का यूज कर सकते हैं, तो कई कंपनियां हैं, कई आपको यहाँ पे विकल्प मिलेंगे। इन्वर्टरों की कीमत की बात करें तो 2500 वीए का जो इन्वर्टर है आपको वो लगभग 15000 से 18000 रुपए की रेंज में आसानी से मिल जाएगा। आप यहाँ पे हेलियक 3000 भी यूज कर सकते हैं यूटीएल का। तो इस तरीके से जो भी आपको पसंद हो वो इन्वर्टर आप ले सकते हैं। इसकी एक स्टैंडर्ड कीमत मान लेते हैं कि हम यहाँ पे अगर आप 2500 वीए लेते हैं किसी कंपनी का, तो उस इन्वर्टर की कीमत जो है वो आपको 16500 रुपए पड़ जाएगी। तो अब आपका सोलर पैनल हो गया और इन्वर्टर हो गया। तीसरी जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वह है सोलर बैटरियां। सोलर बैटरी के यहाँ पर कई विकल्प मिलते हैं, आप 100 AH यूज कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है, ज्यादा आपको बैकअप नहीं चाहिए, तो आप 100 AH की बैटरी ले सकते हैं, 150 AH ले सकते हैं, 200 AH ले सकते हैं, और वही वारंटी भी आप 3 साल ले सकते हैं, 5 साल ले सकते हैं। लेकिन हमारा हमेशा सुझाव यही रहता है आप लोगों को, आप 5 साल वारंटी वाली बैटरी चुनें, क्योंकि आप सोलर लगा रहे हैं, आप जैसे कम से कम 5 साल तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो आपको बैटरी बदल के मिल जाएगी, 5 साल की पूरी इसमें वारंटी होती है। या तो कंपनी अगर कोई छोटा मोटा कुछ फॉल्ट है तो आपको सही करके, और सही नहीं हो सकती तो आपको बदल के नई बैटरी मिल जाएगी, यानी 5 साल आप पूरी तरह टेंशन फ्री रह सकते हैं। 5 साल वारंटी वाली 150 AH की बैटरी आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है लगभग 14500 रुपए के आसपास एक बैटरी आपको मिलेगी, और इसमें 24 वोल्ट का सिस्टम होगा। यहाँ पे आपको 2 बैटरी लगानी पड़ेंगी, इससे 29000 रुपए की आपकी दोनों बैटरियां जो है वो हो जाएगी आपकी 5 साल वारंटी वाली 150 AH में। आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, लुमिनस, ओकाया, यूटीएल, आईएनए, इनकी सभी की लगभग यही कॉस्ट है, सबकी यही कीमत है। थोड़ा बहुत 100-200-500 रुपए हो सकता है आपके जिले में, आपके शहर, आपके गांव में कहीं थोड़ा बहुत कुछ कीमत में अंतर हो सकता है, कुछ कम या थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोनों बैटरियां आपकी 29000 रुपए में मिल जाएंगी। अब आपका हो गया सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी। अब इसके बाद आता है सोलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें तो अच्छी ले लेते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में लोहे के पाइप लगा लेंगे, कभी कुछ और यूज कर लेंगे। कई बार तो देखा है लोग फ्रेमिंग वाले पाइप तक का यूज कर लेते हैं सोलर पैनल लगाने के लिए। दोस्तों, सोलर पैनल जिस पे आपको 25 साल की वारंटी मिल रही है, अगर उसको आप किसी साधारण फ्रेमिंग वाले पाइप पे या लोहे के पाइप पे लगाएंगे तो आप समझिए इनकी लाइफ कितनी होती है, 4 से 5 साल में गलने लगेंगे तो आपके पैनल भी रिस्क में आ जाएंगे। इसलिए हमेशा आपको जो स्ट्रक्चर है वो बेहतरीन क्वालिटी का GI का यूज कीजिए, मजबूत स्ट्रक्चर यूज कीजिए, क्योंकि जब आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो 10-5 हजार रुपए बचाने के चक्कर में आपका जो बाकी का पैसा है वो भी खटाई में पड़ जाएगा। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी का बेहतरीन स्ट्रक्चर ही प्रयोग करिए, GI का स्ट्रक्चर प्रयोग करें, अर्थिंग जरूर करवाइए। कई लोग अर्थिंग नहीं कराते हैं, अर्थिंग जरूर कराइए, क्योंकि अर्थिंग के बिना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। अगर आपको नहीं पता अर्थिंग से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, तो हमारे चैनल पर एक वीडियो अभी मैंने पिछले दिनों अपलोड किया था, आप उसे देख सकते हैं कि एक यहाँ पर एक लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया था, उसमें अर्थिंग नहीं कराई तो उनको कितना बड़ा नुकसान उसकी वजह से हुआ। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो अर्थिंग जरूर कराइए, अच्छी DC केबल का यूज करिए, और कभी भी उसमें कई बार लोग क्या करते हैं, बिजली वाले जो तार होते हैं 2.5 mm 4 mm लगा दिया तो फिर पावर आउटपुट नहीं मिलती, वायर हीट होता है। तो इस तरह प्रॉपर सिस्टम का इंस्टॉलेशन अवश्य कराइए। पूरे सिस्टम इंस्टॉलेशन की बात करें, अर्थिंग, स्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन, सारा कुछ सब आपका कंप्लीट जो है वो लगभग आपको कोई भी टेक्नीशियन जो भी आपके जिले में होंगे वो लगभग 9 रुपए प्रति वाट में आपका सोलर सेट जो है वो पूरा इंस्टॉलेशन कर देंगे। आप जहां से परचेज करते हैं तो वहां से आप इंस्टॉल करा सकते हैं। इसमें आप थोड़ा बहुत कुछ बार्गेनिंग भी अगर आपके कुछ पॉसिबल है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसकी कुल कीमत की बात करें तो आपको इंस्टॉलेशन पर लगभग 19,440 रुपए का टोटल खर्च आपको करना पड़ेगा। इस तरह से सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी, सोलर स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन सहित पूरा कंप्लीट 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड बैटरी वाला सोलर सिस्टम आपको मात्र 1,21,100 रुपए में मिल जाएगा। और ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। आशा है आपको 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका कोई और सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।